Hey guys, how are you all? So welcome back to my vlog. So आज मैं बनाने जा रहा हूँ चटपटा हनी चिकन. पहले जो चिकन है ना, मैंने थोड़ा बॉईल करके रख दिया है. उसके बाद तेल गर्म होने के बाद वो जो बॉइल्ड चिकन है वो तेल में डाल दिया है. अच्छे से फ्राई करना है तेल में. जब भी थोड़ा शेलो फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद प्याज और कैप्सिकम डाल देना है. उसको भी थोड़ा अच्छे से फ्राई करते रहिए धीमी आंच पे. करछी को चलाते रहिए. अच्छे से शेलो फ्राई होने के बाद एक एक करके मसाला, नमक वो सब डालना है. ये देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो रहा है. कलर देखिए ना, क्या खूबसूरत लग रहा है ना देख के. अभी ये देखिए मीट मसाला, ये मटन मसाला है. ये मेरा खुद का ट्विस्ट है. थोड़ा मटन मसाला और थोड़ा चिकन मसाला दोनों मैंने मिक्स करके डाला. ये देखिए चिकन का मसाला बहुत ज़बरदस्त लगता है खा के. थोड़ा चाट मसाला भी डालना है क्योंकि ये थोड़ा चटपटा डिश है, बहुत बढ़िया लगता है खा के. ये देखिए धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर. अभी अच्छी तरीके से मिक्स करना है. ये भी नमक स्वाद अनुसार. जब मैं बॉईल किया था ना चिकन को, तभी भी थोड़ा नमक डाल लिया था. ये देखिए कलर देखिए ना, बहुत बढ़िया लग रहा है. ये देखिए ये जीरा पाउडर, घर में भुना हुआ जीरा. ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये पहले भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा लास्ट में डाला है. अच्छे से फ्राई करना है ताकि वो जो कच्चापन है ना जिंजर गार्लिक का वो चला जाए. अभी ये जो चिकन का स्टॉक था ना, ये बॉईल जब मैंने बॉईल किया था उस चिकन का स्टॉक मैंने रख दिया था, अभी वो डाल देना है. अभी धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देना है, तभी सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए. उसके बाद टोमेटो केचप डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है. उसके बाद लास्ट में हनी डाल के एंड इट्स रेडी टू सर्व. बहुत बढ़िया लगता है खा के, एकदम चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा. ये देखिए ना क्या बढ़िया लग रहा है ना देख के. कलर देखिए ना, मुंह में पानी आ रहा है ना देख के. और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त. So, if you like the content, you can like, share and subscribe my channel. Till then, keep supporting me. Bye.